नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सजी बिग न्यूज़। शोभा नेहरू जी फिलहाल मेरे साथ हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूं कि एक ज़माने में शहर की सबसे सुंदर और सबसे आदामय किन्नरों में से एक रही हैं। पार्षद का चुनाव लड़ा भी है और जीता भी है, समाज सेवा में हमेशा ही आगे रहती हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, सबको प्रणाम और नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल जी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मंगलमुखी समाज को अगर किन्नर कहा जाता है तो वो बुरा मान जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या रहता है? देखो, मंगलमुखी जो होते हैं हम मंगल कार्यों में जाते हैं जी, हम पार्वती के अंश में आते हैं जी। कैलाश पर्वत राजा का बेटा का नाम था किन्नर नरेश। हम तो नरेश में नहीं आते, हम तो नरेशनी आते हैं। इस वास्ते हम मंगल कार्यों में जाते हैं, हमें मंगलामुखी कहते हैं। कभी भी कोई भी इंटरव्यू लेने आए तो मैं पहले मंगलामुखी ब्रैकेट में किन्नर लगाती हूँ मैं, ताकि उन लोगों को भी दुख ना हो। बिल्कुल, इस बात की जानकारी मुझे है, मगर आप लोगों के लिए ये शब्द इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि आम जनता में बहुत सारे लोग हैं जो शायद मंगलमुखी का मतलब नहीं समझते हैं। मंगलमुखी का मतलब आप जानते होंगे। शोभा जी, अगला सवाल आपसे कि जितने भी मंगलमुखियों को मैं जानती हूँ और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा गया है कि मुस्लिम समाज से वो जुड़े हुए हैं, कारण क्या है कि जो मंगलमुखी मुस्लिम समाज से ही क्यों जुड़े हुए होते हैं, क्यों जो है वो मुस्लिम धर्म को ही अपनाते हैं? मैं एक ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण परिवार से सबसे पहले पूजा पाठ होती है तो शुक्लाम्बरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ताहि सर्व विघ्नोपशान्ते। मैं 36 कौम की मांग करती हूँ, 36 बिरादरी की जो मज़हब है वो मेरी मज़हब है। इस वास्ते मैं चारों मज़हब को मानती हूँ, मगर कहते हैं ना हमारा बुज़ुर्ग लोग, कुछ को के कुछ पाना पड़ता है। इस वास्ते मैं सूर्यवंश विष्णु गोत्र कर्नाटक के रहने वाली हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से, मगर मैं कुछ पाने के लिए जी। मैंने कन्वर्ट हुई हूँ, मैं जी। कन्वर्ट होके मैं उस मज़हब को भी मानती हूँ, हमारे माता पिता की जो मज़हब थी उसको भी मानती हूँ। जाके आप ये देख सकते हैं शांति नगर गौशाला के पास काटू नरेश जी का मंदिर है, नवग्रहों का मूर्ति स्थापना करवा रखे हो, और माँ पीताम्बरा बगलम की जो कहते हैं ना, जीपम किल्लम शत्रु विनाशकारिणी ओम अलीम बगलाए पर स्वाहा, भागवत भी कराती हूँ मैं, रामायण भी कराती हूँ मैं। इस वास्ते ये सारा मैं बोलना पड़ रहा है, इंसानों का धर्म है वो आपका धर्म है, मेरा धर्म है। क्यों, मैं 36 बिरादरी का मान करती हूँ मैं, और उनकी जो धर्म है वो मेरा धर्म है। मगर हमारी अटके जो एक धर्म रहती है हमारा, जो गुरुगद्दी जिसको कहते हैं ना कलयुग, वो कलयुग के अंदर आके कुछ लोग हमारी जो मंगलमुखी समाज के जो परंपरा के अंदर चल रहे हैं, उस परंपरा के नियमों को थोड़ा सा उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके पूछती हूँ आप लोगों के समाज से जुड़े हुए। बहुत बार देखा गया है कि देखिए, बचपन से जो मंगलमुखी पैदा हुआ है वो तो है ही, मगर आजकल दिल्ली गुड़गांव का अगर हम ट्रेंड देखें, जो जबरदस्ती जो है लोग ट्रेन अपना जो है जेंडर चेंज कर रहे हैं, तो क्या उसे भी आप अपने ही समाज के अंदर मानते हैं या उन्हें थोड़ा सा अलग दर्जा दिया जाता है? अब हम गुरु गद्दी पे मैं बैठी हूँ, अब आपने भी कल भी आके आपसे मेरे से टाइम लेके गए, ये मेरा पोता, मेरा किराएदार, ये मेरा भाई, इसका मम्मी पापा नहीं है, मेरे पास 25 साल से रह रहे, आम आदमी मेरा घर में एंट्री नहीं कर सकता। और जो ये जो है, ठीक है, साइंस बहुत तरक्की कर लिया, साइंस को तो हम कुछ कह नहीं सकते, साइंस बहुत तरक्की कर लिया, साइंस के अंदर जो गुड़गांव दिल्ली के अंदर जो आव भाव दिखा के जो टोल हुआ रात का टाइम जो और टाइप में चलते हैं, ठीक है, बाल बढ़ा लिया, क्लैपिंग सबको बजाना आता है, मगर क्लैपिंग के महत्व तो नहीं पता। बिल्कुल, अब गाने वाली तो मैं भी बन गई हूँ मैं, मगर गाने का सुर का तो नहीं पता मेरे को। अब हम जो किसी के घर में जाती है तो तीन ताली मारते, तीन ताली का मतलब क्या है? जब हम बधाई लेने जाते हैं आप लोगों के घर में, पहले ताली बजती है, अंदर एंट्री होने से पहले ताली बजती है, हम जीवे बहुबन्ना जीए बेटा बोल के, जीवे काका, यानी पहले ताली के अंदर
जो अगल बगल में जो भी शैतान बवाल आल बवाल आजकल जादू टोना ज़्यादा हो रहा है वो दूर होता है हमारा ताली देखते। क्यों? गुरु गोरखनाथ जी ने हमारे को आधा पंथ दे रखा, आई समझ में। फिर दूसरी ताली बजते हैं, बोली बहन हम आ गई तुम्हारा घर में। और तीसरी ताली जो बजाते हैं, पीड़ा पटा दो हम शगुन के गाना गाना है, हम शगुन का गाना। ये तीन ताली सारा क्लैपिंग, तो उस बच्चे को कहो वो भी बजा लेगा क्लैपिंग। बिल्कुल, औरत के अंदर भी कितना रूप है, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, वेश्या भी है, तवाय भी है। इस तरह हमारे समाज में भी साइंस आगे कर रहा है, हो रहे हो तो अब उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं जी, है ना। जितने आप लोगों के रूप हैं उतने आप लोगों के नाम हैं। इतना शिव पार्वती का रूप है, इतना रूप हमारे में अर्धनारीश्वरा कहते हैं ना। बच्चा जब घर में पैदा होता है, लड़का हो या लड़की हो, उसके अलावा अगर मंगलमुखी हो, आप लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचती है, कैसे आपको पता चलता है? अब ऐसा है जी, अब आपने अभी कहा गुड़गांव दिल्ली का, हम तो लाना बंद कर दिया, क्यों बच्चे होना बंद हो गया। पहले ज़माने में आठ आठ दस दस बच्चे होते थे, उसके अंदर जो हमारे को नेक मिलते थे उसमें हम बड़े खुश थे, बहुत खुश थे, उसके अंदर बरकत भी थी और सुकून भी था, सुकून भी था और बरकत भी थी और अच्छा इज्जत भी था। अब एक लड़का एक लड़की होती है तो चलो हमें मुँह मांगे जजमान बताई देते, सब चीज़ देते, मगर मन को तसल्ली नहीं है। वो बधाई जो देते थे 500 1100 250 उसमें बरकत थी हमारे पैसे में और इज्जत भी थी, वो सारा बस कहानी ख़त्म। उसको कहते हैं कलयुग प्रवेश हो चुका है, मगर जितना भी हो सके दान पुण्य करो, अपना पड़ोसी से प्यार मोहब्बत से रहो, परिवार से प्यार मोहब्बत से रहो। बात करें तो पिछली बार कोविड में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मंगलमुखी समाज की तरफ से खूब दान पुण्य किया गया, समाज की सेवा की गई, मदद की गई, मगर एक समय आने के बाद देखा गया कि मंगलमुखियों को भी शायद उतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना लंबा ये चल जाएगा। शादियां तो वैसे ही बंद हैं, लोग वैसे ही एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं, बधाई मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं मंगलमुखियों को जो है आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं शायद झेलनी पड़ी। क्या कोई समाज का हिस्सा, कोई समाज का वर्ग आप लोगों की मदद के लिए, सेवा के लिए आगे निकल कर क्या आया? कोई भी नहीं है, ये तो आपको पता है, मीडिया से कोई छुपी रहते हैं। अगर कोई ऐसा आता, सरकार भी आता या कोई और इतना जो संस्था चला रखे वो आके एक बार भी नहीं पूछा। अब मैं खुद फंसी पड़ी थी लॉकडाउन में कलकत्ता के अंदर, मगर कलकत्ता की हालत को देख के मेरे को बड़ा फील हुआ। मैंने जिसके घर में ठहरी हुई थी, दिया व दान दिखा दिए तो है ना, मैंने ये बांटा, ये करा, वो करा, अब मेरे को नहीं अच्छा लगता। कहते हैं परमपिता परमेश्वर ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, तो इस साथ में दे रहे तो इस साथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, वही दानी महापुरुषों का होता है। वहाँ कलकत्ते के हालात को देख के मेरे को बहुत दिल दुखा, मैंने वहाँ किया जितना मेरा था। वहाँ के लोग बोली मीडिया में देंगे, ये देंगे, मैं बिल्कुल नहीं, फिर क्या फ़ायदा मेरा देने का, सारा तो खत्म ही हो गया। फिर मैं वहाँ से फ़ोन करके यहाँ बताया, मैंने बोली इस तरह यहाँ भी बांटना, बोली वीडियो में ग्रुप में डाले, बिल्कुल नहीं डालना, तुम घर में रह जाओ, भाई बांट के आएगा बस। मगर हमें देने कोई नहीं आए, ना हमें पूछने आए, ना सरकार आई, ना संस्था वाले आए, कोई भी नया। मगर फिर भी मेरा बच्चे वालों के बच्चे जी तरह मेरा इशार के जज्बात जी तरह, मैं उनके वारी जाऊँ, उन पे सदके जाऊँ, उनके आई आला बला लेके मेरा झोली में ले मैं मर जाऊँ, मेरा जज्बान राजी खुश रहे, मेरा पेट भर के दिया। हाँ, मेरा एक जो है ना इशार का है, मेरा जो जज्बान संजय राधे राधे, उन लोगों ने मेरा बहुत मदद किया, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ उनको और उनकी पूरा परिवार को। और जो उनका गुरुजी, जो वो भी इसार के हैं, मगर वो मथुरा में जाके आश्रम बना के बैठे हुए, उनकी तमन्ना एक बार आके मैं वहाँ रासलीला के साथ डांस करूँ।
डांस से याद आया, एक समय में बहुत बढ़िया नृत्य जो है आप करती थी, आप क्या आज भी नृत्य में एक्टिव हैं क्या आज भी? हाँ 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 हाँ, अभी मेरा नाच यही मेरा जीवन है जी। अगर आज भी अगर कहीं फंक्शन हो तो बुला लेना, मैं 8 गाने पे लगातार डांस कर सकती हूँ, या जो लाइक पंजाबी भांगड़ा, पंजाबी हरियाणवी फिल्मी फोक डांस भरतनाट्यम क्लासिकल, जो भी 8 गाने पे मैं लगातार डांस कर सकती जी। वैसे हमारे दर्शकों को बता दूं कि शोभा जी ने क्लासिकल नृत्य को जो है बहुत हिसार के, ख़ास तौर से हिसार के आसपास के इलाकों में जो है बहुत बढ़ावा दिया है, एक नए मुकाम तक लेकर के गए हैं। शोभा जी उसके बाद बात करें कि आजकल शादियां बंद हैं, बधाई लेने जो है शायद आप निकल भी नहीं पा रहे होंगे, खर्चा पानी जो है कैसे निकाल पाते हैं? नहीं जी, पर झूठ नहीं बोलते, मेरे तो बच्चे जा रहे हैं, मेरा जजमान मेरा पेट भर के रोटी दे रहा है, मेरे तो ये सार का जजमान की नाते बाल ना टूटे, जब उनका पैर वहाँ कैर हो, मैं तो ये कहती हूँ। दुआओं का सिलसिला तो बहुत सारा जो है मैं शुरू से ही सुन रही हूँ कि दुआएँ आपके होठों पर बैठी हुई हैं। बहुत बार देखा जाता है या लोग डरते भी बहुत हैं मंगलमुखी के गुस्से से, कब आता है मंगलमुखी को गुस्सा? देखो गुस्सा तो आती है तो मैं अपनी जीवन में बता रही हूँ, मैं सिर्फ 2 बार, मैं नाम नहीं लूँगी, एक सिटी थाने के पास हुआ, एक अपना सोन सिनेमा के पास हुआ। मैंने जैसे हम अपना घर बंद करके तुम्हारा घर पे आए, आने के बाद में मैंने कहा बोले भाभी मेरे को डे छा मुल्तानी बोलें दी बेटी हमें, आई विल टॉकिंग 13 लैंग्वेज, मुल्तानी थे भाभी जी ये बहु बनना मेरे को बधाई डे छा, बोले हाड़ी शोभा तू बाद में आवंज, वल भाभी ना खाली ना मोड़ मैं पहले थोड़े घर आई हुई हाँ, मेरे को बधाई डे छा, जो तुसी देवना है वो डे डो मेरे को, वो लेके वंसा, बोले ना ना तू 3 बजे आ जा, 3 बजे टाइम दे आ जा, मैं तेरे को 101 रुपये दे सा। ठीक है जी, मैं उसी बधाई की 101 रुपये बहुत होते थे आज से 40 साल पहले, 101 रुपये का तो 1 लाख की बराबर था। अच्छा हाँ जी, फिर बाद में जब मैं वहाँ गई नाची गाई करके ला बधाई दे, वही 21 रुपये दे के देखा है, फिर वहाँ एक जगह में गुस्सा हुई, मैं तो कभी नहीं। और एक जगह मेरा शारदा ढोलक होती है, वो शारदा मैया हमारी तो रोजी रोटी ढोलक है, अब ये आपकी ये रोजी रोटी, अगर मैं इस पे लात मारूँ या कोई मैं इंटरव्यू ले रहे हैं कोई चलते लात मारा तो आपको गुस्सा आएगा, बहुत इस तरह मेरा शारदा शारदा को लात मारा है वो। फिर मैं वहाँ एक जगह नंगी होके नलके के नीचे बाल्टी पड़ा था वो पानी डाल के, मैं उस सीन से मैं कान पकड़ती हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती मैं तो, कि यानी गुस्सा जब आते है आपने आ भर लिया, आ भर के फिर ना दे तो फिर थोड़ा सा मन दुखता है, मन दुखता है, मगर अभी मैं बहुत सारा कंट्रोल कर लिया मैंने। नहीं आपने तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मंगलमुखी समाज में अगर पूरे मंगलमुखी समाज की बात करें फिर भी कहीं ना कहीं गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, या लोग डरते बहुत हैं गुस्से से? डरते ये मतलब यानी अब मेरे चेलों को तो यही कह रखी हूँ, मेरा जो घर के अंदर मेरा बधाई पे जाते हैं जजमान को तन नहीं करना क्योंकि लॉकडाउन लग रही है, क्यों 50-55 साल हो गए मेरा जजमान के साथ में बढ़ते हुए, इस वास्ते मैं तंग नहीं करती हूँ, मैं तो मेरे चेलों को भी कह रखी हूँ चल आज में हमारे को कम दिया दूसरे बार जाए तो ज़्यादा दे देंगे, एक एक ले के आ जाना। मैं जिस टाइम पढ़ने का टाइम मैंने एक आना तांबे का पैसा देखा पीतल का पैसा देखा, और मैं बेंगलोर में स्टडी करने का टाइम मैं डॉक्टर कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति, आप बेशक नेट में निकाल के देख सकते हैं डॉक्टर कैनेडी बेंगलोर क्या आए था इंडिया में आप देख सकते हैं, और एलिजाबेथ विक्टोरिया को भी देखी हुई मैं जी। और अपना हमारा विश्वेश्वर उम्र क्या है आपकी? हाँ उम्र क्या है आपकी? ये उम्र नहीं बता सकते इसी बात पे वॉल जॉन स्टेट न्यूज़पेपर अमेरिका वाले ने बोले मैडम आपकी उम्र बताओ आपका नेटिव प्लेस बताओ प्लीज प्लीज, मैंने बोले आई एम माई नेटिव प्लेस कश्मीर टू कन्याकुमारी आई एम ए इंडियन,
मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे हिंदुस्तान मेरा जहाँ तक है वहाँ की हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए उम्र किसी से पूछे तो कहाँ कोई बताता है, लेकिन एक बात है, दिखती नहीं है, मुझे नहीं पता है कि आपकी उम्र कितनी है, मगर आपके चेहरे की जो रौनक है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। बीच में मैंने आपकी तस्वीरें देखी कि आप काफ़ी बीमार हो गए थे, मगर फिर से जो है उभर रही हैं अपनी बीमारी। वो मतलब है ना, यही इलेक्शन में आ गए थे जो मेरा पुराना साथी थे, उन लोगों की दिल नहीं तोड़ना चाहते थे भारतीय किसान पार्टी के MLA से। फिर मैं अब वो कमल गुप्ता भी मेरा चहेता प्यारा क्यों जिजमान है, पार्टी के तो छोड़ो, और कांग्रेस पार्टी माता सावित्री जिंदल भी मेरी माँ बनी हुई है, माँ कहती हूँ मैं, वो माने या ना माने मेरी तो माँ है, आए समझ में। फिर रामनिवास राणा जी की कांग्रेस की टिकट मिला था, मैं किसकी तरफ जाऊँ, मैं किसकी तरफ ना जाऊँ, और इधर जो बागड़ी लोकदल की पार्टी से, वो भी मेरा जिजमान का बच्चा है, मेरा हाथ का पैदा हुआ है, मगर उसको भी नाराज नहीं कर सकते थे, जब इस वास्ते मैं MLA इलेक्शन में खड़ी हो गई थी। अच्छा। अदरवाइज तो मेरा कोई तमन्ना नहीं, क्यों 3 बार एट्रिक मार चुकी थी मैं तो। हाँ। फिर क्या फ़ायदा, जो करना था देखना था वो देख लिया। वैसे तो मैं बचपन से सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर के अंदर जो चीज़ हमने देखा, पॉलिटिक्स में आके देखा, यहाँ राजीव नगर वालों की बहुत आभारी हूँ मैं, मेरा साथ दिया, मेरे को 101 वोटों से जिताया, 16 कैंडिडेट 17वीं कैंडिडेट में थे, सबकी जमानत जपत, 101 वोटों से विजय श्री बाबा का आशीर्वाद दिया मेरे राजीव नगर ने, जब भी राजीव नगर को मैं भूल नहीं सकती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जो है इतनी सारी बातें बताने के लिए। एक और छोटा सा सवाल अभी दिमाग में आया है, कहा जाता है कि मंगलमुखी अपने हाथ से किसी को पैसे देते हैं तो वो बड़ा शुभ माना जाता है, उसके पीछे क्या तथ्य है, क्या वो बुध के दिन? अच्छा। बुध के दिन लेना चाहिए, अगर बुधवार के दिन आके ले जाए, अगर वो अपने आप दे, उसको लाल कत्तर में बांध के अपने गले में रख के, बुध जो है, अब पंडित लोग हैं ना, बुध का दान नहीं खाते, हमारे यहाँ बेच देते हैं, और जो जो राहु केतु शनि बुध 9 नवग्रह के अंदर 4 नवग्रह की, मेरे जिजमान को बता रही हूँ मैं, इन शास्त्रियों के चक्कर में ना पड़ना। हिसार में नवग्रहों की देवस्थान मंदिर है, अगर कोई मंदिर में ना रखवाए तो आपका ही मंदिर है, मेरा कोई माँ बाप के घर से नहीं लाई, राजीव नगर की इसके शांति नगर नुक्कड़ पे महापीताम्बरा बगलामुखी की मंदिर है, नवग्रहों का स्थापना है, आपने कुछ नहीं करना, नवग्रहों की पेरी लगाना, शनिवार के दिन शनि भगवान की तेल चढ़ाना, जो भी आपने दान पुण्य देना नवग्रहों की, बुध के हिंदी में भी लिखा हुआ उसके ऊपर आपने रख देना, दान रख जो देना वो दान देना, कह देते आप उनको दो, यानी अपना नपुंसकम में भी आते हैं हम, बुध जो है राशि वो नपुंसकम में आते, अच्छा। बुध राशि जो कष्ट होता है, जब पंडित कहता है जाओ ये जड़ों को देख के आओ, उनको देख के आओ, वो नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, अपना बारी आए तो इसमें एको 101 रुपए रखो, 500 रुपए रखो, कपड़ा दियो, गौ दान करो, फलाना करो, तुम्हारा मुक्ति मिलेगा, तुम ऊपर जाओगी, फलाना ढिमकाना, जब हमारी जो समाज वालों की बुध का दान आए तो 11 रुपए हरा मूंग और हरा चूड़ी दिया उनको, क्यों ले भाई, तो वो भी तुम ही कहो ना, क्यों नहीं कहते। हाँ, इस वास्ते मैं तो ये आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं अपना जिजमान को बता रही हूँ मैं, यहाँ मंदिर है, ये मंदिर आपका मेरा नहीं है, आप लोगों की कमाई की ये मंदिर है, नवग्रह स्थापना कर रखे, आके सारा नवग्रहों का नाम नहीं आए तो ओम सूर्य देवाय नमः बोल के 9 परिक्रमणा कर लो, और जहाँ बुध का दान नवग्रह आएगा वहाँ आपने जो भी कुछ रखना वहाँ रख के हाथ जोड़ के चले जाओ, और शनिवार के दिन शनि भगवान की स्थापना अलहदा है, नवग्रह से अलहदा नवग्रह मूल शनि भगवान की है, वहाँ तेल डालने का टाइम पहले यहाँ माथे पे मस्तक, फिर छाती पे, फिर भुज पे, राइट और लेफ्ट और चेस्ट और यह चरणों में डाला, डालने का टाइम ये कहना सम शनेश्वराय नमः, यह तो ओम शनेश्वराय नमः, उसके अंदर शिव भी आ गया
और शनि भी आ गया, और उसके बाद भी जब ना हो तो ओम जय श्री हनुमताय नमः नवग्रह प्रक्रम करने का टाइम ये भी पढ़ सकते हैं। ये तो गुरु मंत्र कोई नहीं देता, मगर मेरे जजमान को मैं फ्री में ये वरदान दे रही हूँ। मैं तो जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी शोभा जी, जिन्होंने मंगलमुखी समाज से जुड़े हुए बहुत सारी बातें जो है हमारे साथ साझा की हैं। ऐसे मंत्र जो शायद कोई साझा हमारे साथ ना करे, वो भी इन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। धन्यवाद शोभा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। CBN चैनल की जितना जो ओनर है और जितना अपना कर्मचारी है, उनको सबको दिन दोगुनी रात चौगुनी होवे। परमात्मा ऑल इंडिया में तो है, ऑल वर्ल्ड में भी ये चैनल बने। ईमानदारी से चले, दाता कही तेरा नाम, कि ये पॉलिटिक्स वालों की दबाव में आना, कुल के छाती टोक के उनका जो हमारा है हमारा भी पाल खोलो, और जो पॉलिटिक्स वालों का है पॉलिटिक्स वालों की भी पाल खोलो। दबना नहीं चाहिए, परमपिता परमेश्वर से डर के आगे बढ़ो, साथ ही आते बढ़ाना। बस जी, शुक्रिया माता।